दिसंबर 1967 अधिकार चला है मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले ओम रूहानी बाप रूहानी बच्चों आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा कहाँ निवास करती है? तख्त पर निवास करती है। ये आत्मा का बड़ा तख्त है। इसको शास्त्रों में कहते हैं उत्तमांग। भृकुटि जैसे बैठने की उनकी कुर्सी है बहुत छोटी। और ये ज्ञान बाप ही सिखलाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुमने आधा कल्प भक्ति की है। जो भक्ति की है वो कोई पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई में तो एम ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ तो पढ़ाई है। इस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। भक्ति मार्ग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। उनके लिए हम कोई से डिबेट नहीं कर सकते।
भले कोई भी धर्म वाला हो, हम तो उनकी आत्मा को ही देखेंगे। आगे शरीर को देखते थे, अब आत्मा को देखने से कहेंगे हम भाई को देखते हैं और हमारा कोई संबंध नहीं है। और संबंध देखेंगे तो देखने से क्रिमिनलाई काम करेगी। भाई अर्थात आत्मा समझने से क्रिमिनलाई काम नहीं करेगी। हम भी आत्मा, ये भी आत्मा, आत्मा ही आगंस द्वारा बोलती है अथवा सुनती है। आत्मा के सिवाय दूसरी कोई बात याद नहीं आवेगी। बाप कहते हैं देह के सभी संबंधियों को छोड़, अपन को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा देखना पड़े। ये प्रैक्टिस पक्की करनी है। इस पुरुषार्थ के बगैर इतना उच्च पद थोड़े ही मिल सकता है। ये फाउंडेशन है क्या? अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझना। मैं आत्मा हूं या किरीति पक्का करना है। ज्ञान है ही बिल्कुल अलग। शंकराचार्य तुमको कहते हैं शास्त्रार्थ करो। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है उनका अर्थ बताओ। अब इसमें तो शास्त्रार्थ करने की बात ही नहीं है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, उसमें भी लिखा हुआ है। जब मनुष्य शरीर छोड़े तो घोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, प्रकृति के मध्य में आत्मा को देखना चाहिए। और आत्मा का रूप क्या बताया? अणोमणीय संस्मरेत्य है, अणु से भी अनुरूप आत्मा है जिसकी ज्योति आंखों से निकलती है। इसमें अर्थ क्या करेंगे? ये तो पढ़ाई है। पढ़ करके नरसिंह नारायण बनना है, अमरपुरी में जाना है। अभी तो मृत्यु लोक में बैठे हैं। जब चाहे कभी भी शरीर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु अभी हमारी आत्मा के कंट्रोल में नहीं है। अमरपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है, प्रैक्टिस करनी है या बैठ करके साक्षात करना है। पढ़ाई में कब डिबेट होती है क्या? वो लोग तो ड्रामा को बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से फिर हम आधा कल्पित सुख पाते हैं।
जो शिव बाबा तुमको बैठ पढ़ाते हैं उनकी तुम पूजा करते हो क्या? शिव बाबा ने इस बात पर मुरली भी चलाई थी। उनको समझाना चाहिए जिस शिव बाबा को तुम पूजते हो वो तो ज्ञान का सागर है और वो ज्ञान का सागर हम उसको पढ़ाई पढ़ाई रहे हैं। वो बाप ही नर से नारायण बनाने वाला है। उनकी पहले पहले भक्ति भी अभी विचारी होती है। अभी हम उन द्वारा पढ़ करके पुरुषार्थ कर रहे हैं। किन द्वारा? शिव बाबा द्वारा पढ़ करके पुरुषार्थ कर रहे हैं। मीडिया कौन बताया? स्वयं शिव बाबा। ये लिखना चाहिए ना। बलवा नहीं पढ़ेंगे। कोई ना कोई उनके प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे, वो पढ़ेंगे। बोलो। हम जानते हैं ये बेचारे भूले हुए हैं। हमने ही शुरू में व्यापी बिचारी पूजा की थी तो हमको ही ये अभिविचारी ज्ञान मिलता है जो डायरेक्ट शिव बाबा का है दिया हुआ। जिन्होंने अभिविचारी भक्ति नहीं की है उनको ये अभिविचारी ज्ञान नहीं मिल सकता। अभी तो सब विचारी पूजा करते रहते। एक तरफ मंदिर में जाकर के शिव की आरती भी उतारेंगे, जल चढ़ावेंगे, दूसरी तरफ देवियों की भी पूजा करेंगे। उनको समझाना है। अभी वो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं और पढ़ाकर कहते हैं मन मना भव, सिर्फ मेरे में मन लगाओ तो मेरे जैसे बन जाएंगे और देह के सब संबंध छोड़ दो। पतित पावन मैं ही हूँ और तुम उनकी अभी पूजा करते हो। हम उसको वो पढ़ाए रहे हैं। पढ़ाई भी पढ़ाए रहे हैं, राजयोग भी सिखलाए रहे हैं, परंतु अभी उनके समझने में देरी है। अभी उन्हों के कान पर इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी तो उनका राज्य है। तुम जानते हो ये भक्ति खत्म हो जाती है। अभी अगर तुम उन्हों को ज्ञान दो तो प्रेसिडेंट आदि सब कहेंगे वाह ये ब्रह्मा कुमारियां इतने बड़े बड़े सन्यासियों को ज्ञान देती हैं, शंकराचार्य को सुनाती हैं। तो ढेर के ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे क्योंकि वो तो फिर भी सन्यासी हैं और तुम तो गृहस्थी हो।
तुमने सन्यासियों को जीत लिया तो बाकी और क्या चाहिए? इन्हों सन्यासियों आदि को पिछाड़ी में तुमने ज्ञान दिया क्यों? पिछाड़ी में ज्ञान देने लायक क्यों बने? शुरुआत में क्यों नहीं, मध्य में क्यों नहीं? क्योंकि सन्यासी कहते आए हैं गृहस्थी जीवन गिरिहस्थी का जीवन है, क्योंकि खुद तो वो पवित्रता के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सके गृहस्थी जीवन में रहते हुए, जन्म जन्मांतर छोड़ छाड़ करके भागते रहे। उनको पढ़ाने वाला ऊंच से ऊंच बाप नहीं मिला, जिसका गायन भक्ति मार्ग में प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? भक्ति मार्ग में ऊंचे से ऊंचे गृहस्थी कौन है? जो भगवान के रूप में गाया हुआ है, है? शंकर पार्वती, उनको जगत का पितर कहा जाता है, पूर्वज कहा जाता है। तो उन्होंने जो गृहस्थी जीवन में रहते हुए पवित्र धारणा पवित्रता की धारणा करने की पढ़ाई जो 63 जन्मों में कोई गुरु ने नहीं पढ़ाई, वो पढ़ाई नहीं होने के कारण उसमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसलिए बोला है अभ्यास इन तो कौन थे, अभ्यास के द्वारा ही आत्मा कर्म करते हुए भी अपनी स्वयं स्थिति में स्थित तो हो सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो अभ्यास करने के लिए समय तो चाहिए, इसलिए बोला कि अंत में तुम इन सन्यासियों को भी जीत लेंगे। अभी तुम कोई बड़े मठ वाले को ज्ञान दो और वो इस तरफ आ जाए तो भी बहुत बाला बड़ा नाम वाला हो जाएगा, फिर मनुष्य भी मुझ जावेंगे, रिवोल्यूशन हो जाएगा। बाप कहते हैं इन सन्यासियों आदि का विचारों का कोई दोष नहीं है, मैं ही आकर के तुम बच्चों को ये ज्ञान सुनाता हूँ कि घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे आत्मा को मन बुद्धि को एकाग्र करना है। तुमको कर्म संन्यास नहीं सिखाते हैं, कर्म योग सिखाते हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म भी करना है परंतु मन बुद्धि से बाप को याद करना है। वो लवर सोते हैं, वो भी तो कारखाने में काम करते करते एक दूसरे को याद में रहते हैं ना, या याद में रहने के लिए झाड़ में जीरा बैठ कर बजाते हैं, कोई तपस्या करते हैं क्या? नहीं,
यहाँ सहज सहज दिल लग जाती है प्राप्ति के आधार पर, तो याद स्वतः आती है, उसको कहते हैं सहज राजयोग। कोई लाल बत्ती आदि जगाने की दरकार नहीं, कोई संगीत आदि बजाने की दरकार नहीं, निराधार आत्मा बाप को याद कर सकती है। इस ज्ञान के लिए डिबेट आदि करने की तो दरकार ही नहीं। ये तो पढ़ाई है ऊंच से ऊंच बाप की, जो एक बाप ही पढ़ाई सकते हैं। तुम्हारा नारायण ही न सर, मनुष्यों को तो होता है धन का नशा, तुमको नारायणी नशा है। उनके पास धन है तो धनवान होने के कारण उनको धन का नशा होता है, और तुम्हारी बुद्धि में कौन बैठ गया? सबसे सहज याद करने का तरीका क्या है? नारायण को याद करना। तो तुम्हारी बुद्धि में नारायण नशा है, उनकी बुद्धि में धन पद मान मर्तबे का नशा है। जैन भी संत समय का ही है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा किनकी आग जलाए। अभी ये दुनिया ही खलास होने वाली है, चाहे कितने भी कोई धनवान हो, उनके धन का ये हस्त्र होना है। जल्दी वो समय आने वाला है, आ रहा है। धन सफल उनका होगा जो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी, संन्यास का अर्थ क्या है वो भी कोई नहीं जानते। सम माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग। जो कुछ हाथ में हो, बैंक बैलेंस में हो, मित्र संबंधियों के पास हो, जमीन में गाड़ दिया हो, उस सारा का त्याग करो ईश्वरीय सेवा में। तो संन्यास का अर्थ है हाथ खाली करना। वो तो घर से ही बाहर चले जाते हैं, पैसा आदि भी नहीं ले जाते हैं, जाकर के सन्यासी ड्रेस पहन लेते हैं। अहमदाबाद में ऐसे बहुत स्थान है सन्यासियों के लिए, भंडारा लगा पड़ा है, उनको बहुत माल मिलते हैं इस दुनिया से, वैराग आ जाता है। परंतु तुम्हारे पास तो बहुत ताकत है, तुमको आधा कल्प के लिए बहुत धन माल मिल जाता है।
उनमें तो इतनी ताकत ही नहीं, तो धन भी नहीं मिलता। सबसे बड़ी ताकत कौन सी है मनुष्य के पास? धन बल, धन बल, जन बल गाया हुआ है, परंतु ये सब विनाशी धन है। मनुष्य के पास सबसे बड़ा पावर जो है, जिसकी सुरक्षा की कोई परवाह नहीं कर रहा है, धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, तन की ताकत बनाने में लगे हुए हैं, जनबल इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, परंतु मनुष्य का जो मनोबल है, बुद्धि बल है, वो सुबह से लेकर के शाम तक मन भटकता रहता है, बिखरता रहता है, रात में सोते सोते भी बिखरता रहता है स्वप्न में। तो उसको एकाग्र करने का पुरुषार्थ किसी को पता ही नहीं है। मन बुद्धि का बल अगर एकाग्र हो जाए तो धन भी बहुत आ सकता है, धन की ताकत भी बहुत आ सकती है, और जनबल भी बहुत इकट्ठा हो सकता है। तो चार बलों में से सबसे ज्यादा पावरफुल बल कौन सा हुआ? मनोबल, बुद्धि का बल, जिसको आत्मा कहा जाता है, आत्मिक बल। आज दुनिया किसके पीछे पड़ी हुई? सारा टाइम कौन से धन के पीछे लगाए रहे हैं? धन बल के पीछे लगाए रहे हैं। धन बल के पीछे भी इसलिए लगाए रहे हैं कि अपनी देह और देह के संबंधी उनके तन का पोषण होता रहे जन्म जन्मांतर, पीढ़ी दर पीढ़ी। परंतु अब तो विनाश होना है। एटमिक एनर्जी बन चुकी है। 70 साल पहले न भगवान आया था और न एनजीए एनर्जी तैयार होना शुरू हुई थी। भगवान बाप आते हैं तो दोनों कार्य एक साथ कराते। नई दुनिया की स्थापना का कार्य भी शुरू होता है और पुरानी दुनिया के ध्वंस का काम भी शुरू हो जाता है। तो मुख्य पावर कौन सी हुई? धन बल, तन बल, जन बल मुख्य पावर नहीं है। मनुष्य के पास मनोबल ही मुख्य पावर है। ये सन्यासी जब तम प्रधान बन जाते हैं तो लौट कर शहर में वापस आ जाते हैं। वो क्या है, बाहर की दुनिया के सन्यासी हो और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी हो, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बीके के सन्यासी थे वो पहले कहाँ रहते थे? शहरों में रहते थे या एकांत जंगल में पहाड़ों पर रहते थे? कहाँ रहते थे? शांत एकांत जंगल में, पहाड़ी देश में रहते थे। बाद में तमो प्रधान बने तो शहरों में घुस पड़े।
तो देश की बात नहीं, बेसिक वाले तो देवी बच्चे हैं बुद्धि से, उनकी बात छोड़ दो। ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस्ड है उनमें भी जो सन्यासियों के बीज हैं उनका भी यही हाल होता है। ये भी तमो प्रधान बन जाते तो फिर लौट कर घर वापस आ जाते। पहले पहले तो घर वार वालों को ठेंगा दिखा से चले जाते, उनको तुम पकड़ सकते हो, परंतु सन है जैसे जट बुद्धि, दिसंबर 1967 की वाणी का दूसरा पेज। उन जट बुद्धियों को बाप का और बाप के असली ज्ञान का पता ही नहीं है, अपने ही अहंकार में रहते हैं। ये भी तुम जानते हो, जो इस ईश्वरीय ज्ञान को अच्छी तरह पढ़े हुए होंगे उनके आगे अनपढ़े भरी ढोगेंगे। लक्ष्मीनारायण के चरणों में तो सब झुकते हैं, क्यों? बड़े से बड़े सन्यासी भी ओम नमो नारायण कहेंगे, नारायण को नमन करेंगे, क्यों झुकते हैं उनके चरणों में सब? और देवताओं की ग्लानी भी कर सकते हैं, करते हैं, भगवान की भी ग्लानी करते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण की ग्लानी कहीं शास्त्रों में नहीं है। उनसे जाए धन मांगते हैं, लक्ष्मी से कितना धन मांगते हैं, जरूर उन्होंने पढ़ करके यह इतना उच्च पद पाया है जो अभी तक भी मनुष्य उनसे भीख मांगते रहते हैं। कितना ऊंचा उनका मर्तबा है, ऐसा ऊंचा मर्तबा पाने में साहस भी चाहिए। साहस माना हिम्मत, हिम्मत बच्चे मदद बाप हो जाते हैं, इसमें जीते जी मरना पड़ता है। घर में बैठे बैठाए सब कुछ छोड़ देना, मैं तो आत्मा हूं, सब कुछ भुलाई देना, इसको कहा जाता है मरना। इच्छा मात्र अविद्या, कुछ भी याद ना आवे। बाबा ये तन, ये देह के संबंधी, ये देह के पदार्थ, धन संपत्ति आदि सब कुछ आपका है, सिर्फ कहने मात्र नहीं, प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। जो नहीं करेंगे प्रैक्टिकल में, आखिरीन उनको भी मरना तो है कि बचे रह जाएंगे।
तन धन धाम सुहद परिवार सब खलास होगा या नहीं होगा? सब का आगे पीछे खलास होना है। अभी सभी के वन अवस्था में जाने का टाइम है। यहाँ तो अकाल मौत भी कितनी होती रहती है, कितने मर जाते हैं। जो नई दुनिया आने वाली है वहां तो अकाल मौत कब नहीं होती, हद की भी अकाल मौत नहीं होती और बेहद की अकाल मौत भी नहीं होती। बेहद की अकाल मौत क्या होती है? हाँ, वहां उस नई दुनिया के संगठन में कोई को भी कोई अनिश्चय नहीं आएगा, अनिश्चय रूपी मृत्यु होगी नहीं। यहाँ तो बैठे बैठाए पता ही नहीं चलता है इनको क्यों अनिश्चय हो गया, कहाँ चले गए। वो है ही अमर लोग, कोई मरता ही नहीं है। अमरनाथ बाबा और अमरनाथ बाबा के बच्चे, जैसा बाप वैसे वैसे बच्चे। मनुष्य बंदर खा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? कि कोई बच्चे ऐसे भी हों घर परिवार में जिनका बाप अमरनाथ हो और बच्चे भी अमरनाथ हो, तो पहले तो उनको बेहद का ज्ञान समझाना पड़े। पहले बेहद की दुनिया तैयार होगी या हद की दुनिया तैयार होगी? तो बंदर खा देंगे, कोई कहेंगे अरे मरेंगे नहीं तो जाएंगे कहां? तुम कहेंगे योग बल से वहां एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते क्या? योग बल जब बहुत तीव्र हो जाएगा तो बोला तुम बच्चे ब्रह्मा की तरह दूसरे के शरीर में प्रवेश करके भी पार्ट बजा देंगे, तो ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। जब चाहे हम अपना शरीर छोड़ें और दूसरे में प्रवेश करके ईश्वरीय सेवा कर डालें, और जब चाहे अपने शरीर में वापस आ जाए। कहेंगे ये भी तो शरीर छोड़ना हुआ ना, अरे शरीर तो छोड़ा ना, परंतु किसी युक्ति से छोड़ते हैं वो भी तो समझने की बात है। तुमने तो अब उस युक्ति को अच्छी तरह समझ लिया, सिर्फ प्रैक्टिस पूरी करने की बात है। और ये प्रैक्टिस बाप गरीब बच्चों को ही समझाते हैं, धनवान जिनकी जैन से मिली है बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर से हैं, वो तो इस ज्ञान को समझेंगे नहीं। तो पहले यहां गरीब अबलाई आती है,
अबलाओं कन्याओं के पास तो कुछ भी होता नहीं। इन अबलाओं को बल देने वाला है बाप। और तो सब इनका बल हरण कर लेते हैं, अबला बनाए देते हैं। आजकल तो मनुष्य अपन को कितना बलवान समझते हैं। गवर्नमेंट को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते। इस स्थापना में भी, इस ईश्वरीय गवर्नमेंट में भी बाप को कितना विघ्न पड़ते हैं। ये सब विघ्न आदि की ड्रामा में नूद है। इन विघ्नों आदि का बाप को कोई ख्याल नहीं होता। समझते हैं ये कोई नई बातें नहीं है। सेकंड बाई सेकंड जो कुछ होता आया है 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। नथिंग न्यू। अभी ये म्यूजियम स्थापन किया है। नथिंग न्यू। पांच हजार वर्ष पहले भी राजा ही स्थापन की थी। संसद में कौन सा म्यूजियम स्थापन किया? जड़ म्यूजियम स्थापन हुआ या चैतन्य? जड़ म्यूजियम माउंट आबू में तैयार होना शुरू हुआ। और जड़ म्यूजियम भी सब बच्चों को देखने की दिल होती थी। बाप कहते हैं ये नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी राजा ही स्थापन की थी। ये राजा ही स्थापन करने के लिए ये म्यूजियम भी रचा था श्रीमत पर। बाबा ये बात बहुत वर्षों से कहते आए हैं। ये बात म्यूजियम में जरूर लिख दो। अखबारों में भी पढ़ता है। 100 साल पहले ये हुआ था। हम कहते हैं 5000 साल पहले भी ये हुआ था। कितना फर्क हो जाता है। परंतु मनुष्यों की यह पत्थर बुद्धि बात को समझते नहीं है। वो फिर तुमको चरिया समझते हैं। तुमको पागल समझते हैं तब तो गाली आदि देते हैं। सुनी सुनाई बातें तो बहुत है। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। कौन से मार्ग में कहते हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं कृष्ण ने भगाया। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? हैं? ब्राह्मणों की संग निधि दुनिया में ये भगाने का भी फाउंडेशन पड़ता है। तो क्या भगाया? ये अपने आप भागी। उनको ये थोड़ा ही पता है कि अगर भगाया भी तो पटरानी बनाने के लिए भगाया। अभी तो तुम समझती हो हम विश्व की महारानी बन रहे हैं। बाकी तुम भागे विकारों के कारण। और कोई बात नहीं थी।
तो ये सब बातें बाप ही बच्चों के लिए समझाते हैं। ब्रह्मा के आदि मध्यम तो को तुम ही जानते हो, और कोई भी बिचारी शंकराचार्य अथवा राजाएं आदि कुछ भी नहीं जानते। दुनिया में तो अनेक प्रकार के ढेर मत हैं, और यहाँ तुमको मिलती है एक मत, ये भी किसी को पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, प्रैक्टिकल में है, वो पतितों को पावन बनाने वाला है। तो पतितों को पावन बनाने की ये समझानी भी देनी पड़े। बाप कहते हैं मनमना भव, ये नॉलेज तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो, तुम तो आत्मा हो, अच्छे बुरे संस्कार आत्मा ही में ही होते हैं, कोई शरीर में नहीं होते हैं। शरीर तो खलास हो जाता है, आत्मा जाकर के पुनर्जन्म लेती है। तो अच्छे बुरे संस्कारों को अगले जन्म में भोगना पड़ता है। सत्युग में तो भोगने की बात ही नहीं है। क्यों? यहां भोगने की बात क्यों है? अरे युग तो सतयुग भी है और युग कलयुग भी है। यहाँ अच्छे बुरे संस्कार क्यों भोगने पड़ते हैं और वहां क्यों नहीं भोगने पड़ते हैं? वहां क्यों नहीं विकर्म होते? अकर्म क्यों होते हैं? वहां आत्म की स्थिति होती है, कोई को वहां देह की स्मृति नहीं होती है। देह की स्मृति के कारण विकर्म बनते हैं, देह बनते। तो वहां भोगना से कैसे छूटते हैं तो अभी बात समझाते हैं। अभी दो युगों के लिए तुम भोगना से छूट जावेंगे, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ करनी है आत्म की स्थिति धारण करने की। शास्त्रों में तो कंस आदि की बातें कितनी व्यर्थ बनाई है। कृष्ण के साथ कंस दिखाते हैं, अब वो कौन सा कृष्ण था जिसके पीछे कंस पड़ा हुआ था? दादा लेखरा जी की बात है क्या? उनके पीछे कोई कंस पड़ा हुआ था क्या? नहीं, ये अंत समय की बातें हैं। आगे तो तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे। बाप कहते हैं तुम अपने अंदर को पूछो कि पहले हम क्या थे। पहले बिल्कुल डर्टी ब्रूक, इन देवताओं को मानते थे कि ये सर्वगुण संपन्न है, हम पापी कपटी नीचे हैं। आगे तो भक्ति भी करते थे तो बेसमझी थे, अभी तो तुमको समझ मिली। बाप कहते हैं ये आसुरी संप्रदाय है और ये रौरव नरकवासी है। रौरव नरक कलयुग अंत को कहेंगे। द्वापर में रौरव नरक नहीं होता है,
अभी सब पाप आपने बिच्छू पिंगन नाग बनाए हैं। नाग लोक का है ना, कितना एक दुख दुख देते। ये है ही आसुरी शैतान संप्रदाय। तुम अभी बनते हो ईश्वरीय संप्रदाय। तुम इंसान हो, आत्म किस्मती की शान में रहने वाले हो। जितनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना ईश्वरीय संप्रदाय बनते जाएंगे, फिर अंत में बनेंगे दैवी संप्रदाय। अभी तुमको स्मृति आई है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, हम कोई आसुरी संप्रदाय नहीं है। जो जन्म जन्मांतर के आसुरी संप्रदाय होंगे वो तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो है बगुले। बगुला क्या करता है? पानी में एक टांग से खड़ा रहेगा, देखने वाले समझेंगे बहुत बड़ा तपस्वी है। और जैसे ही मछली आई सामने गटाक से गटक जाएगा। तुम तो हंस हो, मोती चुगने वाले। तुम गंध वाली मछलियां खाने वाले नहीं हो। हंस और बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते। ये क्या बोला? ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी पतित पांव भी नहीं रख सकेगा। अभी तो देखो ब्राह्मण बच्चों में भी कब कब लून पानी हो पड़ते हैं। बाप कितना समझाते हैं अपन को आत्म समझो। आत्म की स्थिति में पक्के रहो तो लून पानी नहीं बनेंगे। देह बहना आता है तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। अपन को भी आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा देखो। परंतु ये पेय ये अभ्यास पक्का न होने के कारण, ज्ञान की पूरी धारणा न होने के कारण फिर जात पात आदि के भेद में आ जाते हैं। ये दक्षिण भारत का है, ये उत्तर भारत का है, ये जन्म से ब्राह्मण है, ये जन्म से शूद्र है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है। अपन को और दूसरे को आत्मिक रूप में नहीं देखते। आत्मा समझने से कोई भी जात पात आदि का भेद नहीं रहेगा। कोई हिंदू या मुसलमान देखने में नहीं आवेगा। बाप कहते हैं ये देह के संबंध छोड़ अपन को आत्म समझो। ये मारवाड़ी है, ये फलाना है, ये बात बुद्धि से निकल जानी चाहिए। 22 बार सरस्वती वाणी का 30 रुपये। तो ये बाप कहते हैं भाई भाई देखो, ये आत्मा भाई भाई की सेव पक्की पड़ जानी चाहिए। जो ईश्वरीय संप्रदाय आपस में भाई भाई होंगे वो कैसे लड़ेंगे? तो बाबा युक्ति बतलाते। बाबा सर्जन है ना,
तो सर्जन को ख्याल रहता है ऐसी दवाई देवे जो इनका देहबान टूट जाए। एक दुखो भाई भाई अर्थात आत्मा की दृष्टि से देखो, आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है। हमको आत्मा का ही ज्ञान देना है, आत्मा को ही देखना है, यत कांत का भेद निकल जाए। नहीं तो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, टिप्पणी करते रहेंगे। इसमें तो भाई भाई देखना है, यही मेहनत करनी है। सन्यासियों को भी तुम समझा सकते हो, परंतु उनको समझाने वाले बड़े होशियार पावरफुल चाहिए। योग का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। कई बच्चे योग बल को भी पूरा समझते नहीं। आत्मा की दृष्टि से एक दो को देखें तो प्यार बहुत ही स्थायी रहेगा। ये तो तुम भी समझते हो। ये सारी आसुरी भ्रष्टाचारी संप्रदाय है, परंतु वो अपन को कोई समझते थोड़े ही है। तुम भी पहले नहीं समझते थे, पता ही नहीं था श्रेष्ठ कौन होते हैं और श्रेष्ठ बनते कौन है और श्रेष्ठ देवता बनाता कौन है। तुम अभी बन रहे हो, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक रस सेवादारी हूं, सबकी सेवा करता रहता हूं। क्या कहा? बाप की पहचान के पॉइंट एक एक मुरली से इकट्ठे करने चाहिए। अभी क्या पहचान बताई बाप के पास की स्पेशल? बाप एक रस सेवाधारी होगा और बच्चे एक रस नहीं रह पाते। सेवा में एक रस रहे तो पता चले किन की बात समाने स्टेज है। मुझे बुलाया ही है पतितों ने, कहे के लिए आकर के मुझे पावन बनाओ। तब तो बुलाते हैं पतित पावन आओ और हमको सुखधाम ले चलो। अभी तो तुमको नफरत आती है, समझते हो बरोबर हम दीक्षा की कीड़े थे। अभी हम उससे निकल आए हैं, ये दुनिया विषय वैतरणी नदी है, इसमें सर्प सर्पिणियां रहती हैं। विषय वैतरणी नदी का किस नाम से रूप से गायन है? काली देह के रूप में गायन है, जहां सर्प सर्पिणियां रहती हैं। प्रश्न के लिए कहते हैं काली गह में सर्प ने डसा, तो काला हो गया। काली गह में डुबक लगाई होगी तब तो काला हुआ। अभी तो सन्यासी कहते हैं कि स्त्री सर्पिणी, ये थोड़े ही समझते थे कि हम भी पहले सर्प थे, डसते रहते थे। पहले पहले तो हमने डसना शुरू किया, काली देह तो है ना।
कृष्ण की आत्मा पहले पहले बहुत जन्मों के अंत में थी, जबकि सांवरी थी। विषय वैतरणी नदी में थी ना, उसको काली देह कहेंगे। और बात है भगवान, भगवान जानते तो है ना कौन कौन गुलाब के फूल हैं और कौन अक के फूल हैं, कौन सुगंध देने वाले हैं आप व्यभिचार की और कौन व्यभिचार की दुर्गंध देने वाले हैं। अक के फूल को तो कोई भी खाना सूंघना पसंद नहीं करेंगे। गुलाब के फूलों को तो खाते भी हैं, अर्क बनाकर सूंघते भी हैं। अर्क का फूल तो जैसे कड़वा फूल है, उसमें हाथ लगाओ तो आंख भी खराब हो जाएगी। ऐसे ऐसे अर्क के फूल हैं, बुद्ध रूपी आंख थोड़ी भी अटैच हो गई तो दृष्टि ही भ्रष्ट हो जाएगी। खुद भी समझते हम कांता है, मैं किसको सुख देने वाला नहीं हूं। वेद के बाप तो हरेक को जानते हैं ना, ये बेहद का बाप बेहद का टीचर भी है, क्योंकि सभी टीचर्स का टीचर है और सभी टीचर्स को तो मनुष्य पढ़ाई पढ़ाते हैं, मनुष्य गुरु पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु इस टीचर को पढ़ाने वाला कोई मनुष्य गुरु नहीं हो सकता। ये भी बाप के प्याल पार्ट की पहचान क्या? कोई पूछे तुम बाप बाप हिलाए रहते हो, बाप की जीवन कहानी तो बताओ, पहचान बताओ, कैसे जाने की ये बाप है, तो क्या कहेंगे? मुरली में एक एक करके पॉइंट बताते रहते, कलेक्ट करने वाले बच्चे कलेक्ट करेंगे, खुद भी समझेंगे दूसरों को भी समझा देंगे, तो क्या पहचान बताइए भी कि बाप ऐसा टीचर है जिसको दुनिया में कोई साकार मनुष्य पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। और मनुष्य गुरु हैं वो तो सब मनुष्य गुरुओं के पढ़ने वाले हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई टीचर होगा जो कहे हम तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूं? लक्ष्मी नारायण बनाता हूं ये कहने वाला होगा तो साकार होगा या निराकार होगा? कहेगा तो मुख से ही, और जो बनाने वाला होता है, डॉक्टर बनाने वाला हो इंजीनियर बनाने वाला हो, तो पहले खुद होगा कि नहीं होगा? है पहले तो खुद होगा, इनकी श्रीमत पर चलते हैं तो मानना चाहिए। अगर भगवान का भी नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? बाप कहते हैं तुम भाई भाई हो ना, तो तुम्हारी विचार की दृष्टि क्यों जानी चाहिए? ये केव बहुत अच्छी डालनी है,
महावीर महावहनियों को बहुत खबरदार रहना है, काम महाशत्रु है, इसको माया रूपी ग्रह ने ग्रह से व मगरमच्छ से बड़ी संभाल करनी है। कहा है न मगरमच्छों के मुख में न पड़ जाओ, माया बहुत जोर से चमक लगाई देती है, बहुत ऊंची से ऊंची विश्व के मालिक बनने से गिराई देती है। ऐसा न हो तो सदगुरु निंदक ठहर न पावे, उस स्टेज में चले जाओ, फिर उस ठहर नहीं पा सकेंगे, बड़ी भूल से बड़ा घाटा पड़ जाएगा, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ेगा। अपने बच्चों को बहुत खबरदार रहना है, खास इस संगम युग पर, जबकि तुम ईश्वरीय औलाद हो तो आपस में भाई भाई का रूहानी प्यार होना चाहिए। सतयुग में तो देखो जानवर भी कितना प्रेम से चलते हैं, वहां कोई किसी में लड़ाई नहीं होती, जो धोखा था वे। तो बच्चों को माया से बड़ी खबरदारी रखना है। बाबा सावधान रहने के लिए रोज समझाते रहते हैं, तुम बच्चों को कदम कदम पर पदम है, अर्थात तुम पदमपति बनते हो, तो खबरदार भी बहुत रहना। बाप दादा बार बार बच्चों को सावधान करते रहते हैं, पति तो बन करके कहीं अपना दीवाना मार नहीं लेना। दिन प्रतिदिन माया तमो प्रधान अवस्था धारण करती जा रही है, समझना चाहिए हमको कौन सी मत देते, मानना चाहिए। तुम आत्मा भाई भाई हो, कभी विकार की दृष्टि न जाए, आत्मा को देखो भाई को देखो, टेव पक्की रखो, इस बात में मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सीखेंगे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग।